हेलो गाइस, आज हम छत्तीसगढ़ की चीला रोटी बनाकर बताएंगे। तो 1 कप हमने चावल का आटा लिया है और 1 छोटा प्याज काटा है और हरी मिर्ची को चॉप करके इसमें डाला है। अब धीरे धीरे पानी डालकर इसका एक लूज बेटर तैयार करेंगे। तो अच्छे से घोलते घोलते एक डायरेक्शन में हमें घोलना है और अच्छे से बेटर को एकदम लूज करेंगे। अब हमारा बेटर हो गया है तैयार। देखिए इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। और अब हम गैस पे रखेंगे तवा और उसको ये प्याज से, हमारा पुराना तवा है तो प्याज से ऐसा ऑयल लगा करने के बाद में अच्छा गर्म हो जाएगा। तो उधर पानी का छिड़का मारकर हम बेटर ऐसे छिड़काव मार मार के डालेंगे। तो चीला रोटी में ऐसे छिड़काव मार के ही डालना है। हमारे जो बेटर का लूज़ है वो इस तरीके का होना चाहिए। लूज़ बेटर होने की वजह से जाली अच्छी बनती है और एकदम सॉफ्ट बनता है और एकदम क्रिस्पी बनता है। अब ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डालेंगे 1 चम्मच और इसको लो लो टू मीडियम पे अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। फिर इसको पलटी मारेंगे और 1-2 सेकंड के लिए इसको साइड से पलटी खिलाकर सेकेंगे। तो हमारी चावल की चीला रोटी हो गई है बनके तैयार। अब इसी तरीके से हम सारी चीला रोटी को बनाकर तैयार कर लेंगे। ये अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।